उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के रुपड़ीहा क्षेत्र के केवलपुर गांव पंचायत का मजरा जमुनोहा भारत नेपाल सीमा के अतिसमीप बसा हुआ है। इसी जमुनोहा गांव के सैकड़ों लोगों ने एसएसबी के रवैये से असंतुष्ट होकर गृह मंत्री भारत सरकार को पत्र भेजकर कहा कि हम ग्रामीण जमुनोहा गांव के मूल निवासी हैं, हम लोगों के पक्के मकान हैं, वह दो पहिया व चार पहिया वाहन हैं। विगत कई महीनों से एसएसबी जवानों की ड्यूटी बॉर्डर से 500 मीटर पहले लगाई जा रही है। जब हम लोग अपने वाहन को लेकर घर जाते हैं तो ड्यूटी पर तैनात जवान हमारे साथ बदसलूकी करते हैं और हमारे वाहन को आने जाने नहीं देते हैं। जब हम लोग गृह उपयोगी सामान लेने जब बाजार जाते हैं तो हमें तंग करने के लिए आधार व कई और दस्तावेज मांगते हैं, साथ ही घंटों धूप में खड़े रखते हैं। वहीं हम लोग एसएसबी के इस रवैये से काफी आहत हैं। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि पहले एसएसबी जवानों की ओपी ड्यूटी नो मैंस लैंड के पास लगती थी, मगर कुछ माह से इनकी ड्यूटी बॉर्डर से 500 मीटर पीछे लगाई जाती है, जबकि नेपाली सशस्त्र पुलिस के जवानों की तैनाती नो मैंस लैंड पर है। वहीं इस संबंध में जब 42वीं वाहिनी के एसएसबी के कमांडर थपन कुमार दास से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि अगर ग्रामीणों को हमारे जवानों से कोई दिक्कत हो तो बीपीओ कमांडर या पुलिस में शिकायत करें, अगर वहां से कुछ नहीं हो रहा तो डीएम व जनप्रतिनिधि से भी शिकायत कर सकते हैं। हमारा एरिया बॉर्डर से 15 किलोमीटर तक है, हमारे जवान कहीं भी ड्यूटी कर सकते हैं। ठीक, जमुनोहा गांव में ये जो एसएसबी का चेक पोस्ट अंदर कस्बे में बैठे हुए हैं जवान, इसको लेकर क्या समस्याएं कस्बे वासियों को हो रही है? अच्छा, ये लोग जो बैठे हैं बीच कस्बे में, तो इससे आम नागरिकों को क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत आ रही है, यहाँ पे पब्लिक का जो दिक्कत आ रही है, आने जाने में दिक्कत है, मना कर रहे हैं, नहीं जाने दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जाओ, वापस जाओ, घर जाओ, आधार लेके आओ, फिर आधार लेके जाओ तो आधार भी नहीं मानते हैं। तो अब आपकी मांग क्या है? भाई, इनको वहाँ पर नौमी लेन पे भेजिए और वहाँ ड्यूटी लगे। क्या नाम है आपका? सुमन सोनका। कहाँ रहती हैं आप? जमुना। कौन सा ग्राम सभा है ये? एक लागत है। अच्छा, यहाँ क्या पंच हैं? क्या हैं कुछ पंच है। क्या नाम बताया आप अपना? सुमन सोनका। अच्छा, ये कस्बे में गांव के अंदर जो एसएसबी बैठी है, इससे कस्बे वासियों को क्या दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत है। जैसे अब कोई बाजार जाते है, उनसे आधार मांगा जाता है, वापस कह देते हैं, कोई सब्जी ले जाता है या दवा ले जाता है, सबसे आधार मांगा था, कोई घर लेके गए या ना लेके गए या भूल गए, फिर वापस आवत हैं, कोई दवाई ले जाते हैं, उनका वापस कह देते हैं, उठे बल्दी यहाँ बॉर्डर पर सीमा पर बैठे। अच्छा, आप लोग बताते नहीं कि जो है आप इसी गांव के निवासी हैं, उनसे बतावत तो हूँ, क्यों वापस कर देते हैं, क्या बोलते हैं? वापस जाइए, कारण नहीं बताते। कहाँ नाम है चाची आपका? अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? अच्छा, क्या दिक्कतें हैं गांव में? गांव में दिक्कत ही है कि जैसे कोई मेहमान आवत है या घर के कोई औरत है, मांदे बीमार भवा या कुछ भी भवा या साग सब्जी दे भवा, जो जाते हैं उनको वापस करते हैं कि जाओ आधार लेके आओ, कागज लेके आओ, फलाम फलाम दुनिया भर मांगते हैं, तो उसी को हम वो दिक्कत यही है कि हमारे बॉर्डर पर पहुंचा हमारे यहाँ पर। अच्छा, क्या ऐसा भी है कि साइकिल या मोटरसाइकिल आवागमन होती है? हाँ, कोई आवत है जात है या ले जाए कुछ तो किसी का ले नहीं जाए, वापस कर देते हैं। वापस करने का कारण कोई बताते हैं ये लोग? हाँ, कारण बताते हैं। क्या कहते हैं, क्यों वापस? गाँव में समस्या सुनिए, अरे आधार लेकर आओ, गाड़ी कागज पत्र मांगा। तो आप लोग कागज नहीं दिखाते? नहीं दिखावा जा। फिर क्यों वापस कर देते हैं? हाँ, फिर भी वापस कर देते हैं। हाँ, फिर वापस करते हैं। अखंड भारत न्यूज के लिए दया शंकर शुक्ल की रिपोर्ट, बहराइच।